नमस्कार मध्यान ओडिशाकु स्वागत करुछि मु जोगमाया बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा सुप्रीम कोर्टरे पूर्णी घुंचिला अयोध्या जमी विवाद मामलार शुणाणी आज सुप्रीम कोर्टरो पांच जन विचारपतिंकु नै गठित संवैधानिक बेंच अयोध्या मामलार शुणाणी आरंभ करिबा मात्रे एहाकु स्थगित रखिछन्ति। पांच जन विचारपतिंक मध्यरु विचारपति जस्टिस यूयू ललित एहि मामलार विचार प्रक्रियारु ओहरि जाइछन्ति, तेणु अयोध्या मामलार विचार पई नुआ बेंच गठन कराजिब। मामलार परवर्ती शुणाणी जानुआरी 29 तारिखरे हेबो। ता पूर्वरु थरे खंडपीठ गठन हेबो। मामलार शुणाणी पूर्वरु आडवोकेट राजेश धावन जस्टिस ललित एही मामलारे उत्तर प्रदेशर पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पई ओकिलाती करथिबा प्रसंग उठाइबारु जस्टिस ललित मामलार शुणाणी करिबे नाही बोली सुप्रीमकोर्टंकु जणाई एही मामलारु निजकु दूरेइ नेथिले। तेबे सुप्रीमकोर्ट कहिथिले जे आजि मामलार शुणाणी हेबो नाही, केवल मामला परिचालना पई तारीख धार्य कराजिबो। प्रधान विचारपति रंजन गोगोईंक अध्यक्षतारे गठित खंडपीठरे जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एन वि रमना, जस्टिस यू यू ललित ओ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड थिले। तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी, और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनकी यही कोशिश रही है शुरू से कि इस मामले की सुनवाई को जितना हो सके टाला जाए, और उसी आर में आज उन्होंने फिर एक टेक्निकल ग्राउंड जो कि 1.5 वर्ष पहले भी उन्होंने उठाया था उस सारे प्रॉब्लम ट्रांसलेशन के ऊपर भी कोर्ट ने कुछ ट्रांसलेशन हाँ ट्रांसलेशन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि जो ठीक है आप चाहते हैं कि दूसरा ट्रांसलेशन हो, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्री को सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराने के लिए 29 जनवरी के पहले। सब कुछ हो चुका है लेकिन फिर भी हम अपनी रजिस्ट्री से कन्फर्म करेंगे, मे इट बी टेक टाइम कि फिर थोड़ा समय हो समय लगे। दूसरा मुद्दा इसे जो फंसा हुआ है इट वॉज क्लियरली समझ लो, दूसरा जो मुद्दा हुआ हो खड़ा हुआ है हिंदी समझा नीचे बेटा नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पहले डिसाइड कर लिया है यह मैटर रेफरेंस नहीं होगा, ये टाइटल सूट है, तीन जज ही सुनेंगे, लेकिन इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का हवाला देते हुए 5 लोगों की बेंच बैठाई जो निश्चित रूप से आर्टिकल 141 का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर हैं, खुद कोर्ट में मौजूद थे, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ, फिर एक तारीख मिल गई है? देखिए आज असल में जब कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई तो हमारे जो वकील थे डॉक्टर राजू धवन साहब, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेस किया कि ये जो बेंच बनी है उस बेंच में जस्टिस यू ललित जो हैं वो एक बार इससे पहले कल्याण सिंह वाले केस में बाबरी मस्जिद के मसले पर एक पार्टी की तरफ से अपियर हो चुके हैं, चुनांचे वो इसके लिए यानी इस बेंच के लिए सूटेबल नहीं है। तो कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये गलती हुई है, 97 में वो अपियर हो चुके थे, तो कोर्ट ने इसको माना और कोर्ट ने कहा हम दूसरी बेंच बनाएंगे और अगली तारीख 29 होगी। इसके अलावा कोर्ट में ट्रांसलेशन का इशू भी उठा कि जिसमें ये बात कही गई कि भाई ये जो ट्रांसलेशन 42,000 पेजेस का ट्रांसलेशन था जिसमें से 19,000 पेजेस का तर्जुमा पार्टियों ने करवाया कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर, तो कोर्ट ने कहा कि हम हमारी रजिस्ट्री को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो उसकी ऑथेंटिसिटी को यानी जो ट्रांसलेशन हुआ है वो ऑथेंटिक है या नहीं इसके ऑथेंटिसिटी को चेक करने की वो देंगे। इससे पहले कपिल सिब्बल आपकी तरफ से पेश हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा 2019 के बाद इस मामले की सुनवाई हो क्यों, इससे पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है। अब आपने कहा कि जज ठीक नहीं है, ये जो तासुर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे तरफ से डिले किया जाए बिल्कुल गलत बात है। इस केस में हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, हम डिले करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए पहली बात तो ये कि जब कपिल सिब्बल ने ये मसला उठाया था वो बात ये सिर्फ थी कि एक मशवरा था कोर्ट के सामने कि चूंकि ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है और जो पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है वो पार्टी इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये हकीकत है सब जानते हैं इसको, इसलिए अगर कोर्ट संजीदगी से इस सवाल को सुनना चाहता है 2019 के बाद सुना जाए। कोर्ट ने नहीं माना इस बात को, ठीक है नहीं माना, खत्म बात नहीं। आज जो इशू हमने उठाया था वो बिल्कुल पर्टिनेंट इशू था, बहुत रिलेवेंट इशू था। जाहिर है कि जो भी बेंच होनी चाहिए वो बेंच निष्पक्ष होनी चाहिए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, और जाहिर बात है कि इस पर सवाल खड़ा हो रहा था। एक जज साहब इससे पहले अपीयर हो चुके थे एक पार्टी के लिए, तो वो कैसे जज हो सकते हैं इसके अंदर? स्पेशली हमने कहीं ये बात नहीं कही एक मुस्लिम जज होना चाहिए, अलबत्ता हमने ये बात कही थी कि अगर इसमें ऐसे ऐसे जजेस होने चाहिए जो वक्फ से मुतालिक मामलात से वाकफियत रखते हों,
जो वक्फ एक्ट को जानते हो, चूंकि मस्जिद जो है एक वक्फ की जमीन है, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, ऐसे जानकार लोगों इस बेंच में होने चाहिए। वो मुसलमान भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना हमारा कोई मुतालबा है। अभी आप कह रहे थे कि हम क्यों डिले करेंगे और हमारा केस मजबूत है, हालांकि दूसरा फरीक भी ये कहता है कोर्ट में फैसले की बुनियाद टाइटल है, फेथ नहीं है कि वहाँ मस्जिद मौजूद थी 450 साल से, नमाज हो रही थी उसके अंदर, 22 दिसंबर 1949 की रात में गलत तरीके से उसमें मूर्तियाँ रख दी गई और कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर ये मौजूद है। उस पर जो FIR हुई उसके अंदर ये बात कही गई है कि ये FIR एक हिंदू कांस्टेबल ने दर्ज कराई है और इसके ऊपर भी जो उस वक्त के जस्टिस वहाँ के कमिश्नर ओगरा साहब थे उनका एफिडेविट मौजूद है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर, उन्होंने साफ तौर पर कहा उनकी तरफ से कोई देरी की बात नहीं है, कोई अड़ंगा नहीं है, लेकिन अगर कोई वाजिब सवाल है तो वो सवाल जरूर उठाया जाएगा। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। देखिए ये काम सरकार का है, कोर्ट का है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। कोर्ट जो भी करेगा हम उस जो है उसको मानेंगे। हम साफ कहते हैं कि हम इससे राजनीति नहीं करते, चाहे जो वकील हो चाहे जो जज हो, जो भी वो करेंगे वो हम लोगों को मानना पड़ेगा, ये संवैधानिक बात है। देखिए ऐसा है, सबके यहाँ वकील ही जाते हैं, हिंदू पक्षकार में भी वकील जाते हैं। आज जाके देखिए जो है हिंदू महासभा या निर्मोही अखाड़ा कोई नहीं गया होगा, हम भी नहीं जाते वहाँ, वकील देखते हैं, ये आज की बात नहीं है। जो वकील वहाँ जो है मौके में मौजूद है वही देखते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक काम है, क्योंकि बहुत से जगह पक्षकार नहीं जाते, वकील ही तारीख लेता है। देखिए कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है, हिंदू मुसलमान पे नहीं चलता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये जात बात तो नेता लोग बताते हैं, जात तो नेता पूछते हैं, जो है हिंदुस्तान की पब्लिक आज भी मोहल्ले में लोग जात नहीं पूछते, नेता केवल जात पूछते हैं। कोर्ट में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख हो चाहे ईसाई, कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे, हम कोर्ट की बात मानेंगे, ये हमारा संवैधानिक है। आज चीफ जस्टिस के साथ जो बेंच पे बनी उसमें दो बातें पॉइंट आउट हुई। एक तो ये बताया गया कि जस्टिस ललित साहब को पहले 97 में कल्याण सिंह के मैटर में अपियर हुए थे, तो कोर्ट को उससे बताया गया, किसी ने एतराज नहीं किया, जजेस ने खुद मशवरा किया, रईस साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू रहना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्ग कुरी की और खुद रईस साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा बात उनको बताया गया कि ये हम लोगों ने तो था चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशल ऑर्डर पर चूँकि थी जजेस के पास आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोट ठीक है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को दो जजेस को, तीन जजेस को, पांच जजेस को, जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी, रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया। मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर, जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई पाँच जजेस हो जाए हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है।